वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। मेरे घर में तोते हैं। इन तोतों ने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बेबी दिए, बेबी मतलब जोड़े हैं मेरे पास तोतों के अलग अलग। एक ये है वर्ल्ड वाइट वाले हैं, वो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वालों ने भी अंडे दिए हुए हैं, और जो दूसरे हैं उन्होंने भी दिए हैं। मैं आपको एक अदद तोते ने जो क्यूट सा बच्चा दिया हुआ है वो दिखाता हूँ। वो देखें, आपको दिखना चाहिए जो अभी तक नहीं दिख रहा, जरा इसमें नहीं दिख रहा, वो बैठा हुआ है उसके ऊपर। और अभी दो अंडे दिए हैं, इन दो में से भी एक्सपेक्टेड है कि बच्चा हो। और एक इसके नीचे है, उसने बिल्कुल छुपाया हुआ है। मैं इसको कैसे हटाऊं, एक मिनट रुको। वो देखिए, एक बोरा नीचे, ये इतने सारे अंडे अभी बाकी हैं, इनमें से भी बच्चे निकलेंगे, आपको दिखाते हैं और मैं आपको बताता हूँ पूरी। तो स्टोरी ये है कि हमने एक टाइम पे सिर्फ एक जोड़ा दिया था, सही, और वो जोड़ा कह सकते हैं कि बच्चा था, सही है। वो हमने पाला, फिर उसके बाद जो उसको जो है वो फिर हमने थोड़ा सा मटकी शटकी और ये वो मतलब अपने घर को सजाने के बाद हमने उनको बड़े तरीके से बहुत लोगों से पूछ पाछ की कि यार ये ऐसे करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने बोला कि यार ऐसे चलाओ, बड़ा हो रखो और ये वो फलाना, ये होता है बहुत अंडे बच्चे होते हैं, ये होते हैं फलाना होते हैं गाना होते हैं। हम लोग तंग आ गए टाइम पर, हम इसको ख़त्म करने लगे। जब ख़त्म करने लगे तो पता चला कि भाई इन्होंने अंडे दिए। जब इन्होंने अंडे दिए उसके बाद फिर थोड़े वक्त में फिर बच्चे हुए, फिर जो है वो बड़े हुए, फिर इस तरह तोतों की तादाद बढ़ गई। तोतों की तादाद बढ़ी, फिर हमारे घर में चूहा या इस टाइप की चीज़ कोई ना कोई जो है वो मतलब पिंजरे के पास आसपास घूमती, तो उसने काफ़ी तोते फिर मार दिए, मतलब एक के बाद एक छुपकली उसके अंडे खा जाती थी। तो ये मसला चलता रहता था तोतों के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि यार छोटे तोते ख़त्म कर देने चाहिए और उनकी जगह पर ये बड़े तोते लेके आते हैं ना, प्रोटीनो टाइप के, फिश टाइप के जो तोते होते हैं, क्योंकि एक टाइम पे रखे थे और ये घर में बहुत चहचहाते थे, तो इस वजह से अच्छे लगने लग गया उस टाइम से। अंडे इन्होंने जब भी दिए कभी बच्चे नहीं दिए, अभी भी ऐसा ही है। नीचे जो है वो जितने रोटीनो हैं उन्होंने जो है वो एक जोड़े ने अंडे दिए हुए, एक जोड़े ने अंडा दिया था वो टूट गया आपस में लड़ने झगड़ने में लोगों में। तो ऊपर वालों को हमने ख़त्म करके नीचे जो है वो क्या कहते हैं फिशर वगैरह की सारी चीज़ों के लिए हमने एक नया सेटअप लिया, और सारी चीज़ें उसको रख के रखने के बाद हमने सोचा कि यार हम वो लेंगे, अंडे बच्चे होंगे बेचेंगे, पैसे आएंगे, फिर बड़ा तोता ले लेंगे। इस तरह करके हमने सोचा था कि इनको चलाएंगे, क्योंकि अगर जिन्होंने तोते रखे हुए हैं उनको अंदाज़ा है जो लुटिनो बर्ड होते हैं या उसकी जितनी भी क्रॉस नसल्स होती हैं वो कम से कम 5,000 रुपये का जोड़ा और मैक्सिमम साइड पे 4.5 से 5 लाख रुपए का जोड़ा भी होता है, सही है? मतलब इतना सा जो शॉर्ट तोता है, मैं बड़े तोतों की बात ही नहीं करता, जो शॉर्ट तोता होता है इससे 4.5 से 5 लाख रुपए तक का तोता होता है, सही है? मतलब जोड़ा जिसको अल्बाइनो भी होते हैं, रेड आई होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें, बड़ी नस्लें हैं, बड़ी लंबी चौड़ी है, मतलब इनकी एक जातें हैं। तो फिर हमने जब ऊपर वाले ख़त्म करने के लिए सोचे तो फिर दोबारा उनके अंडे आए थे, फिर उन्होंने बच्चे दे दिए, फिर थोड़ी तादाद बढ़ गई, सही है। इस तरह फिर क्या हुआ, फिर डिसीजन चेंज हो गया कि वो भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते। फिर हुआ ये कि भाई जो छोटे छोटे तोते होते हैं ना, जिनको हम ऑस्ट्रेलियन या बजरी कह लें, इस तरह की तोते कह लें, उन तोतों में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि
वो रुआ बहुत उड़ाते हैं, अपने बाल बहुत उड़ाते हैं, कचरा बहुत करते हैं। तो मेरे माशाल्लाह से छोटे तीन बच्चे हैं, तो वो तीनों जब अनंतायाँ उरैन या ये उरैन बहुत बीमार रही है इन चक्करों में, सही है, क्योंकि वो वहाँ चली जाती थी तोतों के साथ खेलना शुरू हो जाती थी। बट ये जो धुआँ और ये बाजरा और ये कचरा और ये सारी चीज़ें होती थी ना, तो उससे इनको सांस की, बलगम की, इस तरह की एलर्जी शुरू हो जाती है। बच्चों को ख़ास तौर पर हो जाता है इस तरह, जरासीम पैदा होते हैं। तो उसका काफ़ी इलाज इलाज कराया था, सारी चीज़ें की थी, मोटी हो गई माशाल्लाह से। फिर इसको कई दफ़ा सोचा फिर ख़त्म कर दूँ, कई तोते दिए भी हमने, एक जोड़ा किसी को दे दिया, एक जोड़ा किसी को दे दिया, सही है, तो इस तरह भी किया हमने ना। तो अभी भी जो है वो स्टिल यही कंटिन्यूशन चल रही है कि फिर किसी को दे देंगे हम लोग, सही है, फिर तोते हो जाते हैं। अभी सर दो बच्चे निकले हैं, ठीक है, एक जोड़े ने दिया हुआ है, एक जोड़े ने दिया हुआ है। तो ये इनकी तादाद रुकती नहीं है, ठीक है, ये बढ़ते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो रोज़गार बना के जो है वो अपना घर चलाते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, अपनी रोज़ी रोटी इसके थ्रू रखी हुई है, इनकी देखभाल करते हैं लोगों ने, अपने पूरे घरों में जो है वो छत पूरी जो है वो बनाई हुई है। शुरू में जब मैंने लिया था तो मैं बहुत सारे इस तरह के जो है वो व्लॉग्स वगैरह देखता था, बहुत सारे लोगों के जो है वो मैंने वीडियोस वगैरह देखता था कि उन लोगों ने किस तरीके से पूरा अपना सेटअप स्टार्ट किया, किस तरीके से रखा, किस तरीके से बढ़ाया, किस तरीके से उनकी सारी चीज़ों की जो है वो देखभाल किए और उससे कितना रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है, स्टार्ट छोटे से भी किया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि किसी ने एक तोता जोड़ा जो है गिफ्ट में दे दिया और वो तोते गिफ्ट के जो तोते होते हैं वो बढ़ते कोई 20-25-30-40 हो, फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो इस तरह जितनी भी ये बर्ड्स मार्केट हैं, इवन कि आपको पता होगा कि जब डॉलर कम और ज़्यादा होता है तो बर्ड्स की सेल परचेज में और एनिमल की सेल परचेज में, ख़ासतौर पर बर्ड्स की सेल परचेज में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बर्ड एक्सपोर्ट बहुत होता है, ठीक है, पाकिस्तान का बर्ड एक्सपोर्ट बहुत होता है, बाहर का बर्ड इम्पोर्ट बहुत होता है। तो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बर्ड की ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत यूनिक एनिमल को इम्पोर्ट करते हैं, बहुत यूनिक एनिमल की यहाँ पर नशुमा करके पाकिस्तान में नहीं सेल करते, वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाहर एक अच्छी कीमत मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती। बट उसके लिए हर एक के बस की बात नहीं है, उनकी जो है उनकी जो बाहर की बर्ड्स होती हैं, बाहर की ब्रीड्स होती हैं, उनको देखभाल करना या उनको उस तरीके से लेकर आना या उनको उस कंडीशन में लेकर आना कि वो आपके लिए एक इनकम का ज़रिया बन जाएँ, हर क्वार्टर में जो है वो जो लुटीनो टाइप के जितने भी इनसे ऊपर के जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें तोतों की जो नस्लें हैं वो हर क्वार्टरली बेसिस पे या हर सीज़न वाइज जो है, जिस तरह आप पहाड़ी तोते होते हैं या जो बड़े ग्रीन बर्ड्स होते हैं या आपका मकाओ कह लें या ग्रे पैरट कह लें, ये बेसिकली सीजनल वाइज जो है वो अंडे और बच्चे देते हैं। और इनका एक एक तोता जो है, मतलब एक ही तोता 2.5-2.5 लाख रुपये का होता है, ठीक है। आज भी ग्रे पैरट जो है वो 2 लाख तक का मिलता है, सही है, जो फुल एक बड़ा पेयर होता है, ठीक है, मतलब एक तोता मिलता है, सही है, ग्रे पैरट अच्छा वाला अच्छी नस्ल का जो होता है, वरना नॉर्मली तो जो है वो 70-80 या 1-1.5 लाख के भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने बहुत तसल्ली से इसके ऊपर काम करके इसको जो है वो एक अच्छी ब्रीडिंग कर दिया। मैं खुद जब शुरू में लोटिनो या ये सब चीज़ें जब परचेज कर रहा था या देख रहा था तो मैं मार्केट भी गया, तो मार्केट में देखा है लोग घर में लेकर, मतलब गाड़ियों पर जो है वो क्या कहते हैं ला के, और उसमें जो है उन्होंने अच्छी चीज़ें उनकी ब्रीडिंग की जो है वो बॉक्सेस वगैरह रखे होते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो उसमें लेकर आते थे, बहुत यूनिक चीज़ें लाते थे परिंदों में, बर्ड्स में। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है और दूसरा ये कि इसकी केयर करना हर एक के बस की बात नहीं है। आपको शौक नहीं है ना, जिसको जिस चीज़ का शौक होता है वो वही काम सबसे अच्छा कर सकता है, सही। बट ऐसा नहीं है कि खाली वही काम कर सकता है, और भी दूसरे काम कर सकता है,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को अपना शौक पैदा करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे काम भी होते हैं, जॉब्स करते हैं आप, 10 चीज़ें करते हैं, ठीक है, कुछ रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बहुत काम ऐसे होते हैं, 10,000 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी लाइफ में, उतार चढ़ाव, 10 मसले मसाइल, सब चीज़ें बट आप करते हैं, ठीक। तो आप लोग जो है बर्ड्स की अगर बढ़ सकना चाहते हैं तो रखें, बट जिन फैमिली में बच्चे वगैरह होते हैं छोटे, उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आई फील कि ये चीज़ मैंने बहुत फील की है कि जब बच्चे आपके जो है वो थोड़ा ग्रोइंग मूड में होते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो उसमें ना ये जो तोतों की जरासीम वगैरह सारी चीज़ें, ये रुआँ वगैरह ये सारी चीज़ें ना, ये बहुत बहुत अजीब टेंशन पैदा करती है, गंदगी पैदा करती है, तो बच्चों को बीमारियाँ भी बहुत होती हैं, इसलिए उनको इनसे दूर रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बर्ड्स हैं आपको पता है बच्चों को अच्छे लगते हैं, सही है। तो आप लोग भी रखें, अगर मेरा मशवरा है, अगर रखना चाहते हैं या आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, सब तोते रखें, अगर आपके पास जगह मौजूद है, आपके पास घर पे कोई एक अच्छी मतलब एक बड़ा स्पेस मौजूद है तो वहाँ पर आप खुले में रखेंगे, तो वहाँ तो धूल मिट्टी भी होती है, 10 चीज़ें भी होती हैं, तो वो आपको बर्ड्स की भी चीज़ें होती हैं या जो गंदगी होती है, खुले में रहेंगे तो खुले का पिंजरा, आपने बड़ा पिंजरा बनाया हो या सारी चीज़ें की हो तो वो तो ठीक, वो तो बेहतरीन काम है ना, वो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास स्पेस नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप बड़े तोते रखें, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट ये है कि वो घर में इतने ज़्यादा जो है गंदगी भी नहीं करते, लाइक जिस तरह जितने भी तोते हो गए बातें करने वाले हो गए, फिशर भी ठीक हैं, फिशर भी अच्छे हैं, बट आप अगर रखना चाहते हैं तो एक जोड़े या दो जोड़े भी ना आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं, मतलब वो भी ब्रीड कर सकते हैं, बट आप जब बड़े तोते रखेंगे लाइक जिस तरह ग्रीन पैरट हो गया या बड़े जो क्या कहते हैं बर्ड्स हो गए, जिस तरह पहाड़ी तोता हो गया, ठीक है, या ग्रे पैरट हो गया, या जो आपका कश्मीरी हो गया, कश्मीरी जो तोता ग्रीन वाला होता है, देन या जो है वो क्या कहते हैं आपका मकाऊ हो गया, इस टाइप की जितने भी एक नस्लें हैं इनकी तोतों की, बड़े तोतों की जो एक्सपेंसिव तोते हैं वो रखते हैं, तो वो फिर आप उनसे बातें करना, चीज़ें करना, वो सब क्या पॉज रह सकता है, आप उसको ग्रोथ मूड में लेके जाना या ब्रीडिंग मूड में लेके जाने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, उनको बहुत स्पेस देना पड़ता है, बहुत खुला माहौल देना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें, रह सकें सकून से, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीडिंग के लिए, अगर नहीं भी पता तो आप यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी, ब्रीडिंग के लिए आपको जो है वो बड़ा स्पेस देना पड़ता है परिंदों को, तो जो जितने छोटा तोता होगा उतनी छोटी जगह पे वो एडजस्ट हो जाएगा, उनको भी देखभाल चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि उनको देखभाल नहीं चाहिए, और जो भी तोता जगह चेंज करता है तो यकीनन वो थोड़ा टाइम लेता है एडजस्ट होने में, लोग बहुत जल्दी डिसहार्ट करते हैं कि नहीं यार हम मतलब अच्छे नहीं है, रख देते हैं, हटा देते हैं, धीरे धीरे, अगर किसी को तोते चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसको कम कर दूँ और एक या दो जोड़े रखूँ, मेरे पास अभी भी कम अज़ कम कुछ नहीं 12-13 जोड़े मौजूद हैं, सही है, तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाह रहा हूँ, ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो आए दिन जो है वो उनको एलर्जीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो जहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ या तो आपके पास स्पेस होना चाहिए अलग से, तो फिर तो आप बच्चों से थोड़ा दूर रख सकते हैं ना, तो वो ठीक है। बाकी ये कि आपने भी देखे माशाल्लाह से दो छोटे छोटे पिंदे पिंदे से बच्चे निकले हैं, तो अभी इनकी आज मेरे ख्याल से 2 दिन या 3 दिन की एज है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होंगे तो मैं आगे, अगर ये बड़े हुए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और अभी लोग आपको कैसा लगा, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो तोते के बच्चे आपको कैसे लगे, ये बड़े होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अभी उसके बहुत सारे अंडे बाकी हैं, उनमें से अभी और बच्चे निकलेंगे, सही है। तो वीलॉग कैसा लगा, तोते के बच्चे कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिए, ये बहुत गलत बात है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ
कि लोग वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नॉन सब्सक्राइबर मेरा वीडियोस देखता होता है बट सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि मुझे अभी एज़ यूट्यूब न्यू यूट्यूबर मुझे जो है वो भी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे जो है वो आपको प्लेसेस भी दिखाऊँ, व्लॉग्स भी दिखाऊँ, अभी बहुत चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अभी आपसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी शेयर करूँगा, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, चीज़ें करेंगे उसमें क्लियर करके मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली मैं कौन हूँ और मेरी लाइफ क्या थी, क्या है, क्या हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ बताने को है, बेहद लंबी चौड़ी एक हिस्ट्री और दास्तान है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।